फिर मुझे पता लगा कि ये इंद्री वाले बना रहे हैं यानी पिकार्डली बना रहा है, तो मैं कहा फिर तो पक्का लेना बनता है, तो सिवाय इसके चूड़ी के इसका सब कुछ अच्छा है। हेलो हाय व्हाट्स अप, वेलकम टू सिटी का ठेका, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं किसी की हाल चाल। सो दिसंबर का महीना, जहां गुनगुनी सी धूप, जहां ठंडी ठंडी हवाएं और साथ में बहुत सारी रम, क्या चाहिए जीवन में और, है ना। अच्छा, दिसंबर का महीना है और अब तो नए साल के स्वागत की तैयारी भी चल रही होंगी, पार्टी शार्टी की तैयारियां चल रही होंगी। मैं ना आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर आप उन दोस्तों के भरोसे बैठे हो जो कह रहे हैं हाँ यार बना लेंगे, कोई सीन बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़े बड़े प्लान्स, तो प्लीज उनके भरोसे मत बैठना। ये ना लास्ट में आपको देने वाले हैं धोखा। और ये जो कहते हैं ना हाँ हाँ भाई देख लेंगे, तो इनका जो सीन है ये हो जाएगा अनसीन। आप घर पे बैठे बैठे मूंगफलियां खा रहे होगे, कुड़ते रहोगे और इन दोस्तों को गाली दे रहे होगे। सो इन दोस्तों के भरोसे मत रहना। मेरे साथ ऐसा धोखा बहुत बार हो चुका है, अब मैं बहुत 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 केयरफुल रहता हूँ। जाना जी, बाकी हाँ आपका क्या सीन है कमेंट में भी बता देना। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जहां पे मैं लेके आया हूँ बड़ी सारी रमें। सो टॉप 5 रम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये जो रम्स हैं ये मैं अपनी डेली लाइफ में पीता रहता हूँ और मुझे काफी पसंद है, लेकिन ये ना टॉप 5 कोई काउंट डाउन नहीं है, तो प्लीज इसको काउंट डाउन मत समझना। इससे बेटर रम्स भी आती होंगी, ऑफकोर्स आती ही होंगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ प्राइस पॉइंट भी और टेस्ट भी, क्योंकि रम बहुत ज्यादा महंगी खरीदने का मन करता नहीं। सो उस हिसाब से मैंने ये टॉप 5 सेलेक्ट किए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो जी, रम की बात हो और ओल्ड मॉन्ग का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब दिस इज क्रिमिनल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी प्रिय ओल्ड मॉन्ग की, जो मुझे लगता है सिर्फ एक रम नहीं है, ये एक इमोशन है। एंड इफ यू अग्री टू दैट तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो, आई एम श्योर शायद आपको ये बात पता हो कि ओल्ड मॉन्ग आती है एक ऐसी डिस्टिलरी से जो इंडिया की ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट डिस्टिलरी है, मोहन मेकिंग्स, जो कसौली में है। और क्या जगह है यार वो, एक बार जाने का मुझे वहाँ मौका मिला, बड़ी सारी परमिशनें लगती हैं यार वहाँ जाने के लिए, बट ऑल वर्थ इट। तो वहाँ कर्नल राठौर हैं जिन्होंने मुझे पूरी डिस्टिलरी दिखाई कि कहाँ पे ये सारी हमारी ओल्ड मॉन्क, इनफैक्ट वहाँ बॉटलिंग नहीं होती, वहाँ सिर्फ अलग अलग स्पिरिट्स बनती हैं, फिर जिससे ओल्ड मॉन्क भी बनती है, जिससे सोलन नंबर 1, सोलन ब्लैक और जितनी भी मोहन मेकिंग्स के ब्रांड्स हैं वो वहाँ उनकी स्पिरिट्स बनती है। सो अगर बात करें ओल्ड मॉन्क रम की, तो सिवाय इसके चूड़ी के इसका सब कुछ अच्छा है। चूड़ी इसलिए यार ये फ्री हो जाती है भाई, ये आ जाती है 400 से 500 रुपए की, आपके स्टेट में कितनी है मुझे एक बार बता देना, बट हाँ दिल्ली हरियाणा पंजाब सब जगह 500 रुपए के आसपास, 500-550 रुपए में ये आ जाती है और पूरी सर्दी हमारी काट देती है। अब चलते हैं दूजी रम की तरफ। दूसरी रम भी ओल्ड मॉन्ग की है, लेकिन ये लेटेस्ट एंट्री है, विच इज़ ओल्ड मॉन्ग कॉफ़ी। इसका डिटेल्ड रिव्यू मैंने सिटी का ठेका पे डाला हुआ है, इनफैक्ट आई बटन पे मैं वो लिंक भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। बट क्या रम है यार, क्या गजब रम है। इसकी बॉटल का बिल्कुल वैसा सही टेक्सचर है जैसा इस वाली रम का है, बट हाँ ये बॉटल लंबी है, बट अमेजिंग रम है यार, अमेजिंग। ये अनफॉर्चुनेटली अभी हरियाणा में शायद अभी तक नहीं आई है, क्योंकि मैंने भी ये यूपी से ली थी और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे हरियाणा से कि ये कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। दिल्ली का आई एम नॉट श्योर, शायद दिल्ली में भी नहीं मिल रही है ये अभी, सिर्फ यूपी और पंजाब और शायद गोवा में मिल रही है, बट बहुत सही है। मैंने 950 रुपये की ली थी। अगर आपको मीठी रम पसंद है, क्योंकि ये बहुत मीठी है, बीइंग कॉफ़ी रम ये बहुत मीठी है, सो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मेरे हिसाब से इसको नीट पीना, वरना बहुत थोड़ा सा पानी डाल के सिप सिप करके पीना, क्योंकि बड़ी मीठी मीठी लगती है ना, बंदा घप से पी जाता है फिर अचानक से हिट करती है। सो ये जो है ओल्ड मॉन्ग कॉफ़ी, ये आप नए साल की पार्टी में तो ज़रूर रखना यार। ऑलराइट, नेक्स्ट रम है जी 1965 स्पिरिट ऑफ विक्ट्री। ये रम जो है हमारे फौजी भाइयों को बड़ी पसंद आती है, इनफैक्ट मैंने जब ये पहली बार पी थी तो मुझे मेरे दोस्त ने पिलाई थी जो आर्मी में है, एंड जब मैंने पी थी मैं गया यार कमाल है, मैंने इतनी अच्छी रम मिस की भी थी, तब से आई हैव बिकम अ फैन ऑफ 1965। अब इसका नाम 1965 क्यों है, अगर आपको पता है तो बल्ले बल्ले, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। तो रेडिको खेतान से ही आती है, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी लिखी हुई है, अब आपको पता लगेगा इसका नाम 1965 क्यों है। सो वी सल्यूट द सेक्रीफाइस मेड बाय अ ब्रेव सोल्जर्स ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। जी, जो 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, ये जो रम है ये उन्हीं सोल्जर्स के लिए डेडिकेट की गई है। इसमें लिखा भी है दैट वी डीपली रिस्पेक्ट देयर करेज एंड इनहेरिटेंस स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। सो ये है 1965, जो कि अगेन आपको मिल जाती है 500-600 रुपये में, सेम वही ओल्ड मॉन्ग वाला रेट है। ये मैंने हरियाणा से लिया है, ये आई गेस हर जगह मिल जाएगी आपको, अगर आपके शहर में भी अवेलेबल है तो यार ये स्पिरिट ऑफ विक्ट्री ज़रूर ट्राई करना। दाना जी, अगली रम की तरफ चलें।
अच्छा एक रम जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था पर वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो है कैप्टन मॉर्गन। वो आप जरूर ट्राई करना, वो भी बड़ी सही रम है। अगर आपने पी है तो वेरी गुड, नहीं पी तो उसको ट्राई करना, और मिल जाए दिल्ली NCR कहीं तो यार मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिल रही। ओके जी, नेक्स्ट एक ऐसी रम जो आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ पिकार्डली। पिकार्डली वही ब्रांड है जो बनाता है दुनिया की सबसे बढ़िया विस्की, विच इज इंद्री। मैंने जब ये देखी मैंने कहा यार इतनी सुंदर बोतल है, ये तो लेना बनता है। फिर मुझे पता लगा कि ये इंद्री वाले बना रहे हैं, यानी पिकार्डली बना रहा है, तो मैंने कहा फिर तो पक्का लेना बनता है। तो ये आप जरूर ट्राई करना, महंगी है थोड़ी सी, 1600 रुपए की है, बट मस्ट ट्राई है। अब यार एक बार तो 1500-1600 रुपए खर्चना बनता है ऑन रम ऑल्सो। अब रम की बात हो और बकाडी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली रम एक्चुअली बकाडी है। जितने भी मिक्सोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बारटेंडर्स हैं, उनकी पहली पसंद होती है बकाडी वाइट रम, जिसको वो अलग अलग कॉकटेल्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी बकाडी की एक लेटेस्ट एंट्री आई है, विच इज बकाडी जिंजर। जैसे ही मैंने देखी मैंने कहा ओ बेटे ये तो लेना बनता है। इसको आप कैसे पियो? इसको आप मेरे ख्याल से छोटे छोटे शॉट्स मार के पियो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि इतनी देर तक जिंजर नहीं पी सकते आप। एक शॉट मारोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट है बड़ी सही। ठीक है जी, सो दिस इज बकाडी जिंजर, इसको आप ट्राई ज़रूर करें और न्यू ईयर पार्टी पे इसको भी ज़रूर रखें। अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको बहुत टाइम से दिखाना चाह रहा था, आज रम की बात हुई तो फिर मैंने इसको निकाला। दिस इज़ ISC रम जो मेरा फ्रेंड लेके आया था वियतनाम से। ये ना इसकी खासियत ये है कि एक मैंगो फ्लेवर्ड रम है, तो मैं इसको वाकई टेस्ट करने वाला हूँ। अब ये यहाँ मिलेगी नहीं, बट हाँ मेरे पास पड़ी थी तो मैं आपको दिखाऊँ। कभी आप बाहर जाओ, आपको भी इस तरह की कोई रम दिखे तो उठा के लेके ज़रूर आना, क्योंकि नई नई चीज़ें टेस्ट करते रहनी चाहिए। सो ये कुछ रम्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक रम और पड़ी है मेरे पास, कॉन्टेसा रम, इसका भी मैंने डिटेल रिव्यू डाला था। ये भी काफ़ी पसंद की जाती है बाय आर्मी ऑफिशल्स। तो कॉन्टेसा रम भी रेडिको खेतान से आती है, जिनकी 1965 आती है। सो ये अगर ट्राई की है तो ये भी बता देना। बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, यार बहुत सारी रम्स हैं इन द मार्केट। कुछ इनसे अच्छी होंगी, कुछ इनसे अच्छी नहीं होंगी, कुछ बहुत महंगी होंगी, कुछ इनसे थोड़ी सस्ती होंगी। बट हाँ, ये रेगुलर ब्रांड्स हैं जो सर्दियों में पिए जा सकते हैं। इनमें से दो मैं आजकल कमाल का फैन हो रखा हूँ, एक तो ओल्ड मॉम कॉफ़ी और दूसरा ये जो जिंजर है, बकाडी जिंजर। सो आपकी फेवरेट कौन सी है ये आप एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी अभी तो मौसम बढ़िया हो ही रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चली रही है, गुनगुनी सी धूप हो ही रही है, तो इसको करते हैं ख़त्म। वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत सिंपल से स्टेप है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। ठीक है, बाकी विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। पार्टी का क्या सीन है कमेंट करके ज़रूर बता देना। पार्टी में मुझे बुलाना चाहते हो तो बुला देना, हम पार्टी के लिए कहीं भी चले जाते हैं। बाकी ड्रिंक टेस्टफुली, एंजॉय रिस्पॉन्सिबली, नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, आदि कह रहा है। चीयर्स, ओके बाय।